Hey guys, this is Jayesh and welcome back to the my channel. और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऐसे पांच वाटरफॉल्स जो कि आप विजिट कर सकते हो वडोदरा सिटी से. So let's begin. So guys, हमारे लिस्ट में सबसे पहला वाटरफॉल है खुनिया महादेव वाटरफॉल. वडोदरा से सबसे नज़दीक वाला ये वाटरफॉल पावागढ़ के खूबसूरत जंगलों में आया हुआ है. और ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ आपको ऐसे बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप व्यूज मिलने वाले हैं. सो अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर की ड्राइव के बाद आप पहुंच सकते हो खुनिया महादेव वाटरफॉल. और वाटरफॉल जाने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा ट्रैकिंग करना पड़ेगा. मतलब यहाँ आप चलते चलते जाते हो तो एक अलग सा एक्साइटमेंट रहता है ये वाटरफॉल देखने का. ये जगह की वाइब्स एकदम अलग है क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का ट्रैकिंग करना पड़ता है. और थोड़े आगे जाते ही यहाँ एक बहुत ही शांत जगह पे खुनिया महादेव करके एक मंदिर आता है. और मंदिर के पीछे थोड़े दूर खुनिया महादेव वाटरफॉल है. सो ये जो फॉरेस्ट वाली फीलिंग है वो बहुत ही एक्साइट कर देती है. सो लेट्स एन्जॉय ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ खुनिया महादेव वाटरफॉल. सो दिस वॉज द ब्यूटीफुल खुनिया महादेव वाटरफॉल. और अभी हमारे लिस्ट में है सेकंड नंबर पे जरवानी वाटरफॉल. वडोदरा से 97 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आया हुआ ये वाटरफॉल मेरा सबसे चहिता वाटरफॉल है. जरवानी वाटरफॉल इज लोकेटेड इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, वेरी नियर टू स्टेट ऑफ यूनिटी एंड सराउंडेड बाई डीप फॉरेस्ट. जरवानी वाटरफॉल और जरवानी वाटरफॉल जाने के ये रास्ते इज लाइक अ पैराडाइज. और एक बार विजिट करने के बाद आपको यहाँ बार बार आने का मन करता है. बाय विजिटिंग दिस प्लेस यू कैन फील अ डिफरेंट जॉय एंड एक्साइटमेंट एंड इमोशंस. This place is like a heaven, so beautiful. जांबूगुड़ा के फॉरेस्ट में आया हुआ हाथीनी माता वाटरफॉल हमारे लिस्ट में थर्ड नंबर पे है. जांबूगुड़ा के खूबसूरत जंगलों में आया हुआ ये वाटरफॉल वडोदरा से लगभग 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है. ये वाटरफॉल में बहुत ही सारी जलधारा है और एक बहुत ही अच्छा वन डे पिकनिक डेस्टिनेशन है. सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल हाथीनी माता वाटरफॉल
एंड इन आवर लिस्ट नेक्स्ट वाटरफॉल इज नीनाई वाटरफॉल। नीनाई वाटरफॉल नर्मदा एंड डेडियापाड़ा के घने जंगलों में आया हुआ है एंड वडोदरा से अप्रोक्सीमेट 160 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आया हुआ है। नर्मदा एक बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है और नीनाई एंड झरवानी वाटरफॉल उसको और भी खूबसूरत बना देते हैं। और मुझे ये वाटरफॉल इसलिए बहुत ही पसंद है क्योंकि ये सिटी एरिया से बहुत बहुत दूर आया हुआ है एंड यहाँ के गांव, यहाँ के जंगल आर सो डिफरेंट एंड सो अमेजिंग। और यहाँ के लोग बहुत ही सपोर्टिव है। सो दिस वॉज द वंडरफुल नीनाई वाटरफॉल। और अभी हमारे लिस्ट में है पांचवें नंबर पे दहल वाटरफॉल, या उसको लोकल में डेल घाट भी बोलते हैं। दहल वाटरफॉल वडोदरा से अप्रोक्सीमेट 196 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आया हुआ है और ये गुजरात एंड महाराष्ट्र की बॉर्डर पे महाराष्ट्र में आया हुआ वाटरफॉल से। दहल वाटरफॉल इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स जो कि आप वडोदरा से विजिट कर सकते हो। ये वाटरफॉल वडोदरा से थोड़ा दूर है लेकिन अगर आप यहाँ जाते हो तो आपको मिलेगा एक अनोखा एक्सपीरियंस एंड एक अनोखी एडवेंचर फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ जाने वाले रास्ते पर्वतों से गुजरते हो और थोड़े टेढ़े मेढ़े और ऊपर नीचे वाले हैं। सो दैट विल गिव यू एडवेंचर फीलिंग्स। सो लेट्स एन्जॉय द वंडरफुल व्यूज ऑफ दिस वाटरफॉल। I feel this is the most beautiful waterfalls in this list, but मैंने पांचवें नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये थोड़ा दूर है। So ये थे पांच beautiful waterfalls जो कि आपने अभी देखे, और ऐसे ही खूबसूरत वीडियो में लेके आता रहूंगा मेरी YouTube चैनल पे। So please like, share and subscribe, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। Till then, bye.